सो वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ यूट्यूब चैनल दिस इज फ्रॉम ग्रोफन भाई। आज के व्लॉग में आपको फिर लेकर आऊं कारवन अशोक विहार न्यू दिल्ली। तो हम भी हमारे साथ हैं, हम कैसे हैं? बहुत बढ़िया गौरव, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। क्या करने वाले हैं हमें गाड़ी के अंदर, डिटेल में बता दो यार। सारा कुछ इसका चेंज करेंगे हम। ठीक है, गाड़ी कौन सी है अभी, मॉडल कौन सा है? 2015 मॉडल कार है, 2015 फॉर्च्यूनर। इसमें हम करने क्या वाले हैं यार, इसको कस्टमाइज कर रहे हैं, इसको लेक्सस में कन्वर्ट कर रहे हैं, लेक्सस किट कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे हमने लास्ट वीडियो में लोगों को दिखाई थी उसी के अकॉर्डिंग हम इसको भी कर रहे हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या चेंजेस हमारे होने वाले हैं यार? इसमें सारा कुछ ही चेंज करेंगे हम फ्रंट से। ठीक है, एक एक करके बता दो भैया। जैसे सी फ्रंट की ग्रिल हो गई, ये ओईएम ग्रिल जो इसके अंदर है, लेक्सस ग्रिल लगाएंगे, ये हटेगी यहाँ से। ठीक है, एक दूसरे के अंदर ग्रिल चेंज होगी, दूसरा बम्पर चेंज, इसकी हालत कुछ सही भी नहीं लग रही। ठीक, बम्पर भी चेंज। ठीक है, आफ्टर मार्केट वाले लगेंगे जिसके अंदर हाई पावर एलईडीज लगाएंगे हम, आफ्टर मार्केट हेडलैम्प्स लगेंगे विद हाई पावर एलईडीज। ठीक है, फॉग लैम्प्स हम लगाएंगे, प्रोजेक्टर वाले प्रोजेक्टर लगेंगे फॉग लैम्प्स में, मतलब पूरा प्रॉपर उसका सर्कल दिखेगा, सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक, फ्रंट फेसिंग पूरी चेंज है यहाँ पे, बिल्कुल चेंज है। चलो, मतलब पहचान नहीं पाओगे गाड़ी की। चलो, ये तो भैया ने बोल दिया पहचान नहीं पाओगे। इसके अंदर बार लाइट ये भी लगेगी क्या? नहीं, ये हट जाएगी ना, ये लुक खराब करेगी, ओल्ड फैशन है, लुक भी खराब करेगी। अभी भैया लाइट एलईडी इतनी ब्राइट लगाएंगे कि इसकी नीड पड़ेगी नहीं। ठीक है, ये तो हमारा फ्रंट प्रोफाइल हो गया, और हम क्या करने वाले हैं साइड प्रोफाइल पे? सेरेमिक कोटिंग करेंगे पूरी गाड़ी पे, सेरेमिक कोटिंग। हाँ, गाड़ी की हालत कुछ कंडीशन खराब है, ये देखो थोड़ी बिफोर कंडीशन दिखाया देता हूँ। वे जो छोटे मोटे स्क्रैचेस है तो हट जाते हैं। ठीक है, और बाकी सोल मार्क्स हट जाएंगे, सारे हट जाएंगे, स्क्रैचेस कम हो जाएंगे, ग्लॉस वापस आ जाएगा। चलिए, मतलब नई की तरह से। ठीक है, ये तो हो गया हमारा फ्रंट प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल भी करने वाले हो? साइड प्रोफाइल पे यार कुछ नहीं करेंगे, कोटिंग होगी, कोटिंग होगी, वही कोटिंग का पार्ट है। रियर भैया, साइड प्रोफाइल पे सर हम पिलर्स पे रैपिंग करेंगे। अच्छा, रैप करेंगे पिलर्स पे जो रूफ पे हो रखी है, ये हटेगी भाई जो रूफ पे हो रखी है, थोड़ी पुरानी हो गई है, डल हो चुकी है। ठीक है, अभी रियर प्रोफाइल भी करने वाले हो? रियर प्रोफाइल पे हम इसकी टेल लैंप चेंज करेंगे, टेल लैंप पूरी चेंज होगी। ठीक है, यहाँ देख लो उसकी टेल लैंप जो है प्रॉपरली आफ्टर मार्केट यहाँ पे चेंज हो जाएगी। टेल लैंप देखो ना यार, टूटी फूटी पड़ी है, कोई कैसी है, कोई कैसी है, ये देखो हालत कैसी खराब हो रही है इसकी। तो टेल लैंप्स की पूरी प्रॉपर आफ्टर मार्केट यहाँ पे इंस्टॉल की जाएगी। रियर का बम्पर भी पूरा मेरे ख्याल से चेंज होगा, बम्पर चेंज होगा ना। ठीक है, तभी इसकी लुक भी निकल के रहेगी, क्योंकि इस कंडीशन में इसी वही लुक आ नहीं सकती मेरे हिसाब से। बहुत बुरा हाल है गाड़ी का। ठीक है भैया, तो भैया एक्सटीरियर हो गया, इंटीरियर भी कर रहे हो कुछ? तो इंटीरियर में आपको लेके चलता हूँ, इंटीरियर के अंदर भी काफ़ी सारा काम यहाँ पे जो है किया जा रहा है। तो पहले तो गाड़ी की हालत देख लो, इस टाइम पे अंदर पूरी की पूरी खोखली पड़ी हुई है। मैंने गाड़ी के अंदर डैम्पिंग नहीं हो रखी, साउंड प्रूफिंग भी होएगी अभी, अभी हम करेंगे आगे, हम साउंड प्रूफिंग करेंगे पूरी गाड़ी में। ठीक है, और उसके बाद हम सारे इंटीरियर कस्टमाइज कर रहे थे, रेड कलर की सीट से फिलहाल, तो रेड कलर की, ब्लड रेड है, ब्लड रेड है। हाँ, और ये पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, आंखों में चुभता है। क्या चीज़ है? आंखों में चुभता है ये कलर, आंखों में चुभ रहा है, पता नहीं, मतलब किसी किसी लोग की अपनी अपनी चॉइस होती है, बट मुझे पर्सनली ये ब्लड रेड ना समझ में नहीं आता। पूरी गाड़ी खुल चुकी है, खुल चुकी है। हाँ, डैशबोर्ड वगैरह। तो ये अब इसमें कौन सा कलर करने वाले हो? इसमें हम कर रहे हैं बेज एंड ब्लैक, बेज एंड ब्लैक। ठीक है, तो डैशबोर्ड में भी कुछ चेंजेस रहेंगे? हाँ जी, बिल्कुल रहेंगे, मतलब नीचे का पार्ट पूरा सारा बेज करेंगे, जितने भी गाड़ी का पार्ट है सारा बेज रहेगा, कारपेट हम इसमें ब्लैक कर देंगे। ठीक है, कारपेट भी ब्लैक जाएंगे, अभी तो उसकी बहुत बुरी हालत है। ये कारपेट जो नीचे की ओईएम वाली है, हटेगी ना इसके अंदर से? इसी की, हाँ ये हटके दूसरी लग जाएगी, इसकी जगह आप नई कारपेट डालोगे, ब्लैक कलर का लगेगा, नया कारपेट। हाँ जी, ठीक है। बाकी जो डोर है ये बहुत ज्यादा गंदे गंदे हो रहे हैं, डस्टिंग सारी क्लीनिंग हुई यार पूरी गाड़ी की, डैम्पिंग भी होनी है, साउंड प्रूफिंग भी होगी, क्लीनिंग भी होगी, क्लीनिंग भी होगी। क्लीन करने के बाद भैया इसके ऊपर जो है प्रॉपर साउंड प्रूफिंग, 360 डिग्री कैमरा, तो यहाँ पे अभी स्पीकर कुछ ये लगे हुए इसके अंदर, जो मुझे लगता है कि चेंज करवा लेने चाहिए, इतनी बड़ी गाड़ी है, इतना इतना बढ़िया इंटीरियर बन रहा है, तो स्पीकर से मार नहीं खानी चाहिए। चलो ठीक है, होनी भी चाहिए, क्योंकि इतनी गाड़ी में इंटीरियर कस्टम हो रहा है ना, तो एक चीज की गुंजाइश नहीं छोड़नी चाहिए मेरे हिसाब से। करेंगे यार, कुछ गए हुए। चलो, तो मैं कितना टाइम लगने वाला हमको इसमें? यार एक हफ्ता अप्रोक्सीमेट, हफ्ता भर इसमें लग जाएगा। एक्चुअली वैसे तो हम कर देते इसको चार से तीन से चार दिन में, बट गाड़ियाँ चार पांच लाइनअप में है। अच्छा, लाइनअप में और भी गाड़ियाँ लगी हुई है हमारे पास। ठीक है, जो एक गाड़ी ऑलरेडी देख चुके होंगे उसमें से, वो भी चल रही है, लेजेंडर भी बन रही है। ठीक ठीक ठीक, और एक एस क्लास का भी काम चल रहा है। हाँ, काफी सारी गाड़ियों का काम चल रहा है, जिस वजह से आप वीक उसमें लग जाएगा। अभी मैं भी आगे इसी गाड़ी को अगर लेजेंडर में कन्वर्ट कराते हैं तो कितना टाइम लगेगा? एक महीना कम से कम। ठीक है, तो यहाँ हम लोगों ने पूरी गाड़ी आप लोगों को दिखा दी है, तो ये आपकी चॉइस है कि आपको लेक्सस स्टाइल में कन्वर्ट करवानी है कि लेजेंडर में कन्वर्ट करवानी है। लेक्सस स्टाइल में एक हफ्ते मिल जाएगी, लेजेंडर करवाते हो तो महीना भर मान के चलो लगेगा ही लगेगा। चलो, we'll be right back.
तो नाउ इट्स अनदर डे जब अपनी गाड़ी ने कंप्लीट हो गई है पूरी तरह, और ये लेक्सस वाली जो बॉडी किट है ना इसकी डिमांड इतनी ज़्यादा आ रही है ना, और लोगों को इतनी पसंद आ रही है कोई हद नहीं है। गाड़ी की लुक देखो भाई कैसी लग रही है, आप लोगों के सामने है गाड़ी की पूरी लुक, कितना बल्की लुक इसका गाड़ी का जो है फ्रंट से मिल रहा है आप लोगों को। प्रोजेक्टर भी लग गए हैं फॉग लैम्प्स के अंदर, काफ़ी सारा काम इसमें कंप्लीट हो चुका है, थोड़ा बहुत बचा है भैया करवा रहे हैं, फिर हम आपको पूरी गाड़ी दिखाएंगे डिटेल में। तो यहाँ पे ना अपनी कार हो गई है पूरी तरह कंप्लीट। भैया कैसे आप? बहुत बढ़िया, आप बताओ क्या हाल करो? बहुत बढ़िया भैया, क्या काम किया, कौन सा मॉडल है डिटेल में बताओ पहले तो। 2013 मॉडल है, 2013 का टाइप 2 वेरिएंट है अपना, फॉर्च्यूनर का करा है। ठीक है, लेक्सस सीट पे लेक्सस स्टाइल हमने इसमें इंस्टॉल किया है। सबसे पहले तो फ्रंट का ये पूरी बंपर चेंज हुई है, बंपर पूरा चेंज है। ठीक है, बंपर चेंज हुए हैं, हेडलैम्प आफ्टर मार्केट डीआरएल हो गई, प्रोजेक्टर यहाँ पे जो है डीआरएल पर आप लोगों को ऑन करके भी दिखाते हैं, नीचे की भी ऑन होगी, बहुत जबरदस्त लगती है देख लो। यस, 255, 270, 55, 20 तो ऐसा कुछ नजर आता है इसका फ्रंट का लुक, ये देख लो। प्रोजेक्टर के बारे में डिटेल में समझाता हूँ, हेडलैम्प फॉगलैम्प के बारे में। हेडलैम्प अपना जो है प्रोजेक्टर वाला है, ये देखो एक प्रोजेक्टर आपको यहीं मिलता है, हाई आपका ये है, और ये आपको पूरा मिलता है इसका डीआरएल जो गाड़ी की लुक का ये तक एनहांस कर रहा है। भैया इसके बाद अपने जो फॉगलैम्प यहाँ पे इंस्टॉल किए हुए हैं ब्लू कट वाले हाई पावर वाले, ठीक पूरे नजर आ रहे हैं प्रॉपर फिटमेंट के साथ, प्रॉपर फिटमेंट के आते हैं, कोई भी गैप नहीं मिलेगा आपको किसी भी जगह, कोई गैप है, हमने प्रॉपर हाउसिंग अपने लिए बनवा रखी है, ओरिजिनल लगा हुआ था कमरे से लोग उतार के वही लगाते हैं। ठीक, वही बड़ा होता है फिर गैप आ जाता है। ठीक है, बाकी ये डीआरएल इंडिकेटर्स हैं, इंडिकेटर वगैरह सब चीज इसके अंदर अवेलेबल है। अभी मैंने आपको ऑन करके दिखाया था, कितनी ज्यादा अमेजिंग लग रही है, जितनी भी हमारी ग्रिल्स देखे लेक्सस वाली उससे डिफरेंट है। मैं यही पूछने वाला था, इसमें कुछ अपग्रेड हुआ है, मतलब ग्रिल के अंदर डिजाइन चेंज हुआ है? तो यहाँ पे ग्रिल बहुत ज्यादा अमेजिंग यहाँ पे लगेगी, फ्रंट में कैमरा भी नजर आ रहा है मुझे, 360 डिग्री कैमरा लगाया है। ठीक है, 360 डिग्री कैमरा भी इसके अंदर इंस्टॉल किया है। ठीक है, ऑडियो इंस्टॉल करा ना इसमें, अच्छा ऑडियो भी है। ठीक है, भैया जैसे फ्रंट की इसकी लुक आ रही है पहले के मुकाबले काफी ज्यादा बल्कि लुक आ गई, तो पेंट करी है ना पूरी गाड़ी, पेंट भी हुई है, और पेंट कहाँ पे हुआ? अपना जो अपना वर्कशॉप पे, वर्कशॉप भी वो भी बहुत जल्दी आप लोगों को दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो फ्रंट का बम्पर और हेडलैम्प सारा कुछ हमने आपको बता दिया। भैया साइड प्रोफाइल पे क्या काम किया है? साइड प्रोफाइल में सिर्फ यही करा हमने यार, साइड मिरर्स पे ब्लैक करा है, पियानो ब्लैक 360 डिग्री कैमरा लगा है, प्रॉपर कैलिब्रेशन आगे दिखाएंगे उसको, वीडियो में दिखा आपको। ठीक है, बाकी गाड़ी पेंट करी है अभी, इसके हम अलॉय जो टायर भी चेंज करने वाले हैं, अलॉय टायर चेंज होने बाकी है, जो हो जाएंगे थोड़ी देर में, बाकी ये पेंट वगैरह पूरा हुआ है इसके अंदर। पहले बहुत बुरी हालत रही होगी गाड़ी का, बुरा हालत वो आपको वीडियो में देखी क्या होगा। भैया रेयर प्रोफाइल पे काम किया, एक तो ये दिख गया है पहले ही, हमने लगाया है, ये लगाया आपने, ग्लो कर रहा है पूरा। ठीक है, ब्रेक पे रेड हो जाता है, ठीक जैसे रनिंग कार पे वाइट रहता है, वाइट रहेगा। ठीक, अभी आफ्टर मार्केट टेल लैंप एलसी स्टाइल है, एलसी स्टाइल देख लो टेल लैंप्स की यहाँ पे ऑलरेडी है, बाकी नीचे का बंपर जो है, बंपर भी आपने पूरा कस्टम पूरा कस्टमाइज है, चेंज है यार, बंपर पूरा चेंज किया, मैं दिखा थोड़ा सा पीछे से आप लोगों को, ये देखो बंपर की कुछ ऐसे लुक है, साइड में रिफ्लेक्टर भी है, पूरा रिफ्लेक्टर है, पूरा चेंज है, ये ब्रेक पे चलेगा, ब्रेक पे चलेगा ये वाला, मतलब अच्छी लग रही है, ये देखो फॉर्च्यूनर लग रही है, गाड़ी बहुत सुंदर लग रही है, हमारा लोगो भी है, लोगो भी लगा दिया मैंने ब्लैक वाला। भैया ये तो हमारा एक्सटीरियर है, हाँ ये रूफ तो ब्लैक मैंने बता दिया, ये तो हमारा एक्सटीरियर हो गया, इंटीरियर पे काम किया, सारा इंटीरियर कस्टमाइज करा, सारा का पूरा इंटीरियर, सीट्स, डोर पैनल, ऑडियो वगैरह सब कुछ एनहांस करा, 360 वाला स्टीरियो भी लगाया, स्टीरियो भी लगाया, एंड्रॉइड यूनिट लगाया, ठीक ठीक ठीक, बहुत सारा काम है, और अंदर ही चलते हैं तो गाड़ी के इंटीरियर पे हम आपको लेके चलते हैं। इस गाड़ी के अंदर ना बहुत सारा काम किया गया है। ठीक है, गेट खोलते हैं, पहले तो गेट काफी ज्यादा जो है यहाँ पे हैवी फील हो रहा है, भैया गेट इतना हैवी फील क्यों हो रहा है? साउंड प्रूफिंग करिए ना यार, साउंड प्रूफिंग हुई है गाड़ी में। ठीक है, ये देख रहे हो छोड़ के अपने आप बंद ही हो जा रहा है, इतना ज्यादा हैवी इस टाइम पे हो चुका है, ये देखो और ये देखो कैसे बज रहा है, और ये देखो, तो मतलब ये फर्क होता है अपना डैम्पिंग करने का। ठीक है, गाड़ी के अंदर देख रहे हो पूरा माहौल सेट है गाड़ी के अंदर का। भैया सीट से स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी के, तो सीट के बारे में बताओ पहले, सीट आपने पूरी कस्टम करवाई है? कस्टम करी, प्रॉपर पैडिंग करी है पहले इसमें हमने, पैडिंग नॉर्मली लोग नहीं करते हैं। ठीक, मतलब प्रॉपर पैडिंग करी क्योंकि सीट से पुरानी गाड़ी की बैठ जाती है। ठीक है, तो मतलब जो होती है इसकी हाँ, डल हो जाती है, हाँ जी, साइड साइड में पैडिंग वगैरह हुई होगी पूरी इसकी। ठीक है, तभी जाके सीट पे इतनी जान आ गई है फिर से, और सीट के डिजाइन अगेन डिफरेंट, बिल्कुल डिफरेंट, ये देख रहे हो पूरा डिफरेंट डिजाइन फिर से आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। आर्मरेस्ट में भी आपने ये चीज करी है, सॉफ्ट टच के साथ इसको भी रेडी किया हुआ है। ठीक है, कलर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, कलर चेंज करा इसमें, थोड़ा सा डार्कर टोन आता है ब्राउन, हाँ हाँ हाँ, हमने इसको बेज टोन में लाया, बेज और ब्लैक, ब्लेज और ब्लैक में अंदर ही आया था।
तो बेज और ब्लैक में आपने इसको कर दिया है। हाँ जी ठीक है, तो नीचे का पार्ट पूरा अगेन बेज में रहेगा लोअर, और ऊपर का ब्लैक में रहेगा। अच्छा लग रहा है काफी, पूरा रनिंग पूरा ब्लैक में है। ठीक है फिर भी स्टीयरिंग से स्टार्ट कर लेते हैं। स्टीयरिंग यार इसमें वो करी है वुडन की। ठीक 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 है, प्रॉपर स्टीयरिंग रैप करा है, स्टीयरिंग रैप बेज स्टिचिंग के साथ, बेज स्टिचिंग है। आज इंटीरियर से पूरा मैचिंग होता है। उसका भी जो आगे मैं मीटर देख पा रहा हूँ, मीटर के अंदर करा ना स्पीडोमीटर के बाहर भी, स्पीडोमीटर के फ्रेम भी है पूरा जो है इसको वुडन करवाया, हाइड्रोटिपिंग करवाई, बढ़िया लग रहा है काफी ज्यादा। और इसके अलावा भी ये कॉम्बिनेशन आपने कहीं और भी दिया है इसी गाड़ी के अंदर? हाँ ये दिया ना, इस पे गियर गियर पैनल पे देखो ना इस पे, या ये देखो ये गियर पैनल है, ये एसी ब्लोअर्स वाले बटन है जहाँ पर सारे इसके बटन, मतलब ये छोटी छोटी चीज हो, छोटी छोटी चीजों पे कोई ध्यान देता नहीं है, पर लेकिन यहाँ पे पूरा ध्यान दिया गया। ये देखो यहाँ पे भी पूरा करवाया, यहाँ भी करवा दिया, बाकी ये डोर पैनल भी बनवा रखा है पूरा, देख लो पूरा ब्राउनिश। और ये एम्बिएंट लाइट है, एम्बिएंट लाइट भी देखो दिन में भी कितनी ब्राइट है, देख लो कितना उजाला है, फिर भी देख लो अलग से नजर आ रही है। ये सबसे ज्यादा बढ़िया चीज है, एम्बिएंट लाइट पूरी लगी हुई है, वो देखो वो सामने भी दिख रही है आप लोगों को लगी हुई। भैया डोर पैनल में क्या काम किया हुआ आपने? एक तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ, एक तो स्टिचिंग करिए देखो डोर पैनल में। हाँ ये तो स्टिचिंग है, बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है। हाँ जी ठीक है, उसके बाद आपने ये हाइड्रोटिप किया, हाइड्रोटिपिंग करी वुडन में। ठीक है, और इसका भैया सारा कलर चेंज, कलर चेंज करा, लेदराइट कोटिंग करी है इसके अंदर, लेदराइट कोटिंग की गई है। ठीक है पूरी, ये देखो आप यहाँ देखो थोड़ा पास से, पूरी लेदराइट कोटिंग इसके अंदर हुई हुई है। लेदराइट कोटिंग का भैया फिर भी फायदा क्या रहता है, मतलब यार इंटीरियर का कलर चेंज हो जाता है, थीम चेंज कर देते हैं ना सारी। ठीक ठीक ठीक, मतलब ये होता है मैं चॉइस पे डिपेंड करता है कौन सा कलर कराते हैं। एक चीज की मुझे क्लियरिटी चाहिए, जैसे ये अब तो ये डार्क ग्रे कलर का था, आपने इसको पूरा ब्लैक कर दिया। ठीक है, तो अब ऐसा भी होगा कि आगे चल के इसकी पपड़ी निकल जाएगी, कुछ ऐसा तो नहीं होगा? गारंटी देते हैं उस चीज की, उस चीज की गारंटी है। चलो ठीक है, क्योंकि मैंने कई जगहों में देखा है लोग काम करते हैं और लोग पता क्या करते हैं, ऐसे पार्ट निकालते हैं स्प्रे पेंट मार देते हैं, सबका अपना अपना स्टाइल है काम करने का। लेकिन हमारी कोटिंग है प्रॉपर लेदराइट कोटिंग है, और ये हम ये नहीं कि कहीं से कराते हैं, ये हमारी अपनी प्रॉपर वर्कशॉप के अंदर होता है। ये देखो ये लेदराइट कोटिंग है, क्योंकि जो इसके ग्रेन्स है वो नजर आने चाहिए ना, क्योंकि अगर पेंट अगर हम सीधा स्प्रे मारेंगे ना तो उससे ग्रेन्स पूरे भर जाएंगे पेंट से, है ना, और बाद में पपड़ी बन के निकलता है। तो ये इस चीज से अवेयर रहना कि इंटीरियर कलर चेंज बहुत लोग करते हैं, बट लेकिन कोटिंग करना बहुत जरूरी है, नहीं तो गाड़ी ना 10 दिन के अंदर इतनी बुरी दिखेगी ना आप लोग, स्क्रैची दिखती है, बहुत दूर बहुत गंदी दिखती है, 10 जगह से पेंट उखड़ा हुआ, बहुत गंदी नजर आती है। इसलिए जहां भी काम कराओ, वैसे मैं बोलूंगा भैया से बात कर सकते हो काम करने के लिए, भैया गारंटी भी दे रहे हैं ना, 100% गारंटी, 100% गारंटी, क्योंकि कहीं से पेंट निकलेगा नहीं। ठीक है चलो भैया, ये तो हो गया हमारा इंटीरियर का। आपको एक और बात बता दें, जितना भी सारा काम है सारा हमारा इन हाउस है, इन हाउस हम खुद ही करते हैं, कोई भी हम बाहर नहीं करते, हमारी वर्कशॉप भी आपको जल्दी दिखाएंगे। ठीक 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 ठीक, सारा काम अपना खुद अपना इन हाउस है, तो सही बात है, खुद का काम होता है ना, इन हाउस गारंटी भी देते हैं, हम क्या लगा रहे हैं, वही चीज बोलने वाला था भैया, ये सब तो हो गया, कुछ भी आउटसोर्स नहीं है, चलो वाला अपना ही है सब कुछ। ठीक है भैया, जैसे हम बात कर रहे हैं गाड़ी के अपर पार्ट को आपने ब्लैक में रखा है पूरा, तो उसकी रूफ भी पूरी ब्लैक की है, पूरी ब्लैक करी है, बेज थी, ये बेज थी पहले। हाँ जी यार ये सही लग रही है, रूफ पूरी ब्लैक कर दी, इस पे भी आपने कुछ अलग से करा है? फैब्रिक के लिए कोटिंग आती है अलग से, फैब्रिक के लिए कोटिंग, अच्छा अलग से कोटिंग आती है। ठीक है, और बाकी ये भी ब्लैक, सारा कुछ ब्लैक, ग्लास ब्लैक, सारा कुछ आपको ब्लैक एंड बेज मिलेगा, ऊपर पूरा ब्लैक सारा। हाँ जी, कितना दिन लग गया उसको करने में? यार देखो पूरी गाड़ी जैसे काम कर रहा था तो 10 से 12 दिन लग जाते, क्योंकि पूरी गाड़ी भी पेंट कर, पेंट भी करना। और भाई अगर किसी को इंटीरियर बनवा रहा हूँ तो कितना टाइम? 3 दिन मैक्सिमम, 3 दिन इंटीरियर के लिए। हाँ जी, और अगर एक्सटीरियर बॉडी किट वगैरह लगवानी है तो मतलब वो भी दो 3 दिन, 4-5 दिन में पूरी गाड़ी तैयार, 4-5 दिन में पूरी गाड़ी, लेकिन पेंट का काम हुआ अगर गाड़ी पे तो फिर टाइम लगता है, तो टाइम लगता है। हाँ ठीक है, इसके बाद हाइड्रेंट देख रहा हूँ मैं, हाइड्रेंट आपने कौन सा लगाया? हाइड्रेंट लगाया जो हमने ड्रिवन का लगाया है, 360 डिग्री कैमरा जी, एक बार आप करके दिखा दो, ये देखो प्रॉपर कैमरा फ्रंट का, साइड्स के पूरी प्रॉपर कैलिब्रेशन के साथ, प्रॉपर कैलिब्रेशन तो है, वो देखो पीछे पीछे का नजर आ रहा है प्रॉपर, ये पूरी गाड़ी नजर आ रही है, उसके आसपास में सारा चीज, ये देखो एक खंबा ये नजर आ रहा है, तो ये रहा एक खंबा, ये देखो मैं आपको और दिखा रहा हूं, ये देखो ये भैया खड़े हैं यहाँ पे, ये रहे भैया, उनके पैर नजर आ रहे हैं यहाँ पे, ये सारे कैमरास, ये देखो भाई पूरा क्लियर नजर आ रहा, जैसे मर्जी इसको घुमा के चेक कर सकते हो भैया, 360 डिग्री राउंड है, ये देखो ये भैया की टांगे नजर आई आगे से, और ये भैया गए साइड, ये तभी हो सकता है प्रॉपर्ली कैलिब्रेटेड हो, हाँ नहीं तो ऐसे काम नहीं करेगा ये, अच्छा ऐसे काम नहीं करेगा, जब तो कैलिब्रेशन नहीं होगी तो कैमरे का कोई फायदा नहीं है। ये गए भैया आगे से, वो पीछे दिख रहे होंगे, प्रॉपर कैलिब्रेशन है आगे से पीछे, देखा सिंगल लेन दिखेगी, वो डिफरेंट लेन दिखेगा, वही देख रहा हूँ मैं, मतलब सही में ये 360 डिग्री कैमरा मतलब इंस्टॉल करने का फायदा तभी है जब प्रॉपरली कैलिब्रेट हो, नहीं तो कोई फायदा नहीं लगाने का, समझ ही नहीं आएगा, नहीं तो डमी पीसेस है, डमी पीसेस है कि लगाया क्या।
इसके अलावा स्पीकर पे हमने कुछ अपग्रेड किया, स्पीकर भी लगाया, एम्पलीफायर भी लगाया हमने इसमें। कौन स्पीकर कौन सा? ऑडियो C1 सीरीज के कंपोनेंट लगाए हैं, C1 सीरीज के कंपोनेंट फ्रंट एंड रियर। हां जी ठीक है। और भैया इसको रन करने के लिए एम्पलीफायर लगाया हमने ज़ैपको का, ज़ैपको का एम्पलीफायर। हां जी भैया वूफर नहीं डाला कोई गाड़ी में, कस्टमर की चॉइस नहीं थी, हमको क्लैरिटी अच्छी चाहिए थी, एम्पलीफायर लगा के हमने स्पीकर लगाए, मतलब सिंपल सोबर बल्ब कुछ नहीं था। आवाज बहुत अच्छी आ रही, नहीं आवाज तो ऑब्वियसली बता, जियो ऑडियो का सेटअप की आवाज हमेशा से अच्छी निकल के आती है, तभी मतलब डिमांड अच्छी रहती है, डिमांड अच्छी रहती है, कस्टमर सेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड है। मतलब क्या है कि अगर हाई एंड अगर ज्यादा बजाना तो वो भी वो झेल लेता है, अपनी चॉइस है। हाँ नहीं ये तो है ना, ज्यादा आवाज में चलाना तो वो भी वो झेल लेता है, सब कुछ बाकी सेटिंग वेटिंग तो होती है हर एक चीज की। भैया हमारा कौन सा डे हमारा क्लोज रहता है? हमारा मंडे ऑफ है, ठीक है। और आपको कोई भी क्वारी है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, बाकी कॉल अगर नहीं उठा पा रहे तो व्हाट्सएप करिए, आपको रिप्लाई जरूर आएगा, जरूर आएगा। भैया ऐसी गाड़ी मॉडिफाई कराने के लिए कहाँ आना है? कार एवन अशोक विहार दिल्ली, ठीक है। भैया एक चीज और पूछनी है मेरे को, जैसे हम हमारे पास अब हमने काफी सारा जिससे हमारा इनहाउस करा काम हो रहा है, तो इसके अंदर हमारा कोई बाहर से कुछ अब नहीं, सारा काम हमारा सारा इनहाउस है, सारा इनहाउस पेंट हो गया, काम क्या क्या कर देंगे हम ऑफिस में? सारी गाड़ी कस्टमाइज करते हैं, जैसे मॉडिफिकेशन का काम हो गया, ठीक है, और उसके बाद हम पेंट जॉब हो गया, ठीक, आपका हाइड्रो डिपिंग हो गई, ठीक ठीक, और कोटिंग्स हो गई, लाइट हो गई, सीट्स हो गई, ऑडियो सेटअप हो गया, सारा काम वर्कशॉप में भी। यहाँ तो देखो हम एक्सेसरीज का काम तो कर ही रहे हैं, जो हम आउटसोर्सिंग पहले थोड़ी बहुत करते थे वो हमारा सारा इनहाउस है, अब हमारा सारा इनहाउस है। एक चीज अगर किसी की गाड़ी में अगर डेंट क्रेडिट कुछ काम की गाड़ी का भी काम कर रहे हैं, कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब ये है कि किसी को डेंट वगैरह है गाड़ी, मैकेनिकल एक्सीडेंटल एनी वर्क, सारा काम, एनी वर्क, कोई भी कार हो, कोई भी काम, सर्विस वगैरह भी सब कुछ। अरे वाह क्या बात है। तो भाइयों अगर आपको मॉडिफिकेशन के अलावा भी कुछ काम करवाना है ना, कोई सा भी काम कर दो, कोई सी भी गाड़ी हो, कोई सा भी काम, कोई सा भी काम हो, कॉन्टेक्ट कर सकते हैं भैया। हम एक दो गाड़ी और प्लान कर रहे हैं कन्वर्ट करने का, राइट, जल्दी दिखाएंगे, जल्दी दिखाएंगे। बाकी आप लोगों को वीडियो बने रहना, आगे आगे आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलने वाली है। बट सेट आज के लिए इतना ही था। अगर आप चाहते हो कि आपकी गाड़ी में कुछ ऐसा बढ़िया काम हो जाए ना, तो आपको आना है कार एवन अशोक विहार न्यू दिल्ली, स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।